जय साईं राम। आज हम बात करेंगे राहु के ऐसे पांच उपायों की जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पांच उपायों की यहाँ चर्चा की जा रही है। यदि आप इन पांच उपायों को अपनी जिंदगी में स्थान देते हैं तो आपका राहु कभी नीच नहीं हो सकता है, सदैव उच्च रहेगा और शांत रहेगा। राहु से मिलने वाले अपमान, अन्य कष्ट नहीं मिलेंगे। प्रतिदिन मूली दान करें, पत्ते उतारकर, या फिर रविवार के रविवार मूली का दान करें। इससे आपका राहु शांत रहेगा और कोई नीच शरारत नहीं कर पाएगा। आप अपमान से भी बचे रहेंगे, वरना राहु की दशा में अपमान होना, कर्ज चढ़ना, शारीरिक कष्ट होना आम बात है। सफेद तिल काली चींटियों को डालें, ये कार्य रोजाना करें। साथ में थोड़ी चीनी भी डालें। इससे आपका राहु बहुत ज्यादा शांत हो जाने वाला है और नीचता छोड़कर शुभ फल देने वाला है। केतु की दशा हो तो काले और सफेद दोनों तिल डालने चाहिए। जौ दूध में धोलें और छाया में सुखा लें, धूप में नहीं सुखाने हैं वरना अंकुरित हो जाएंगे। लाल कपड़े में बांधकर अपने पैसे वाले लॉकर में, तिजोरी में रखें। इससे राहु आर्थिक तंगी नहीं दे पाएगा और कर्ज मुक्ति होगी, पैसा आना शुरू हो जाएगा। राहु अधिक शारीरिक कष्ट दे रहा हो तो अपने वजन के कच्चे कोयले जल प्रवाह करें। इससे आपका शारीरिक कष्ट शांत होगा, कर्ज मुक्ति होगी तथा राहु की शांति होगी। अपने वजन जितने कच्चे कोयले ले लें और उसे जल प्रवाह करें। अपने निवास की छत पर सतनाजा यानी सात तरह का अनाज पक्षियों को डालें, साथ में पानी रखें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपके ग्रह शांत होंगे, राहु बिल्कुल शांत हो जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा और आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। नीच राहु शारीरिक कष्ट देते हैं, जेल यात्रा करवाते हैं, पुलिस केस बनवाते हैं। इसलिए आप पर नीच राहु यदि चल रहे हैं तो आप पुलिस स्टेशन का महीने में एक बार पानी पिए तथा हस्पताल जाकर कैंटीन में कुछ खा पी लिया करें। इससे राहु की शर्त पूरी हो जाती है। यदि आपको रात को नींद आने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एक लाल रंग का कपड़ा ले लें, एक उंगली जितनी उसकी पॉकेट सिलाई कर लें, उसमें हरे रंग की सौंफ जो हम खाना खाने के बाद खाते हैं भरकर सिलाई कर लें और पिल्लो में रख लें। पिल्लो में डालकर वह पिल्लो रोजाना इस्तेमाल किया करें। इससे भी राहु को मंगल का साथ मिलने की वजह से राहु शांत हो जाते हैं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि भविष्य में भी ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। जय साईं राम।